हाय मैम, क्या लेकर आए हो? अरे आज हम थाईलैंड की वो लगी हुई है एक एग्जीबिशन, थाईलैंड एग्जीबिशन वहां गई थी तो छोटा छोटा इतना सारा सामान कुछ भी नहीं लेना था, लेकिन इतनी सारी शॉपिंग कर लाई। मैं दिखाऊं आपको? दिखाइए। देखिए, सबसे पहले जैसे एंटर हुए ना, वहां लड़कियों की चीजें बहुत अच्छी अच्छी मिल रही थी। ये गले के इस तरीके से थे, ऐसे तो मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन मेरी बेटी है, एक्चुअली मेरी बेटी मेरे ब्रदर इन लॉ की बेटी है, पर मेरी ही बेटी समझो, उसके लिए मैंने उसे पहले वीडियो कॉल पे दिखाया कि उसने ये सब पसंद किया, उसके लिए ये सब लेकर आई। बहुत अच्छे थे, क्लियर दिखाना सब, एक एक डिजाइन एकदम पता चले। ये उसके लिए लिए, कृष्णा के लिए लिए सारे, बहुत चूजी है भाई, बहुत परेशान किया वीडियो कॉल पर, बहुत देर तक उसके साथ लगी रही। फिर ये लेके वहां से निकले, थोड़ा आगे गई तो गाउन का सेंटर था, गाउन बहुत अच्छे अच्छे थे, बहुत पसंद आ रहे थे मुझे। वहां से मैंने अपने लिए दो कफ्तान लिए, कैसे हैं? अच्छे लग रहे हैं। एक ये है और ये एक इस कलर में है, ग्रीन में, दोनों कफ्तान है। क्वालिटी कैसी है कपड़ों की? कॉटन है, कॉटन कॉटन, कुछ नहीं होगा, श्रिंक भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा उसने बोला है, अब पता नहीं यूज करूंगी तो। फिर उसके आगे गई तो मेलामाइन का काउंटर था, जहाँ बहुत अच्छा था मेलामाइन का सामान। तो मैंने एक ये ट्रे ली, पता नहीं मैंने ये बाउल्स क्यों लिए हैं, मुझे नहीं पता, पर मैंने ये बाउल लिए। एक फिर मैंने बड़ा बाउल लिया। क्या करोगे इनका, क्या करोगे क्या इनका? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कभी इसमें राइस रखने के लिए, ये सब्जियां रखने के लिए और ये सैलड के लिए ले आई। बस मैं गई थी, मैं ले आई, कुछ नहीं लेना था, लेकिन फिर भी इतनी शॉपिंग हो गई। फिर एक ट्रे भी ली, ट्रे भी वहीं से ली, अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसा मार्बल लुक लग रहा था तो मुझे काफी अच्छी लगी ये ट्रे। ओके। उसके बाद एक काठियावाड़ी स्टॉल था, फिर वहां से ये गेहूं के मेथी की पूड़ी, ये सींग, ऐसे छोटा मोटा बहुत सामान लिया। सबसे मेन जो मैं आपको बताती हूँ, जो आज का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो ये चॉपर, मुझे नहीं लेना था, लेकिन जब मैंने वो चॉपर वाले भैया को ये काम करते देखा ना, तो मुझे लगा जिंदगी इतनी आसान हो सकती है, तो मैंने ये चॉपर लिया। मैं दिखाऊं आपको ये चॉपर, पता नहीं चॉपर है या जादू है, कुछ पता नहीं, लेकिन वो ऐसा काम कर रहा था कि मुझे लगा दुनिया में कुछ भी हार्ड है ही नहीं अगर ये चॉपर मेरे पास है तो। मेरे को बस ऐसा हो गया कि मुझे ये लेना ही है। ये चॉपर था, भैया तो इतना मस्त ऐसे इसमें आलू डाल रहे थे, खाए यहाँ फिंगर टिप्स निकल रही थी, अच्छा लगा मुझे। फिर एक इसके साथ ये पीलर था, दोनों साइड से पील होता है, एक सिंगल साइड से पील करता है, एक डबल साइड से पील करता है, ऊपर नीचे करे दोनों साइड से पील होता है। फिर एक इसके साथ ये हैंड प्रोटेक्टर जैसा है, और इसके साथ ये कुछ स्लाइसर है, ये हैंड प्रोटेक्टर के साथ इस तरह से करने के लिए, पता नहीं मैं यूज करूंगी तो शायद मुझे भी, जैसे मैं वो भैया को देख रही थी वो कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था किचन का काम बिल्कुल डिफिकल्ट ही नहीं है, मे भी ऐसा हो, मे भी वो भैया एक्सपर्ट थे तो उनका हो रहा है और मेरा फ्लॉप हो जाए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक चीज और थी वहाँ बहुत अच्छी थी, बारबेक्यू था, वो नीचे पानी नहीं कास्टिंग में डालते हैं और ऊपर उस पर तवा था, वो नहीं लिया मैंने, मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी मुझे पछतावा हो रहा है कि मुझे वो भी ले लेना चाहिए था, सोचती हूँ अभी सेल है शायद अगली बार ले आऊं। कितने का लिया ये किचन सेट? ये पूरा सेट 1800 1890 बोल रहे थे, फिर चक चक करी, थोड़ी बहस करी तो उन्होंने बोला ठीक है 1800 में ले जाओ। ओके चलो, टाइम पास हो गया आज का। हाँ टाइम भी पास हो गया, शॉपिंग भी हो गई, जेब भी खाली कर दी। बस आज यही था।